श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय रघुवीर समर्थ। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड में हम जा रहे हैं सज्जनगढ़, जो सातारा सिटी का एक धार्मिक स्थान है। और वो धार्मिक स्थान कैसे बना और वो फोर्ट किसने कब कैसे यूज़ किया, वो सब हम जानेंगे वहाँ जाकर। तो यहाँ ऊपर जाने के लिए आपको सातारा सिटी से बस और जीप मिल जाता है, प्राइवेट भी आप कर सकते हो। टोसीगढ़ जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पे बीच में एक पहला माउंटेन जो आता है उसमें आपको एक राइट टर्न मिलेगा, उससे आप सज्जनगढ़ के पार्किंग एरिया में पहुँचोगे। तो चलो वहाँ पहुँचते हैं। सो ये है सज्जनगढ़ का पार्किंग एरिया। यहाँ पे दो पार्किंग एरिया, ये फ्री वाला एरिया है जहाँ पे आप मॉर्निंग अगर जल्दी आते हो तो यहाँ पे आप अपना बस जीप वैन जो भी है पार्क कर सकते हो। और अगर जब यहाँ का जगह फुल हो जाता है तो सामने ही एक पेड़ वाला एरिया मतलब बनाया गया है, जो पे करके आप वहाँ पर गार्ड पार्क कर सकते हो, और एल्स आपको नीचे कहीं रोड में साइड में पार्क करना पड़ेगा। यहाँ से और 20 मिनट का स्टेयर्स वाला रास्ता है, ईजी है, आप आराम से ऊपर पहुँचोगे। तो आपको मैं बताता हूँ कैसा रास्ता है और उस रास्ते में क्या क्या मेन चीज़ें हैं कुछ। सो पार्किंग एरिया में अपना व्हीकल पार्क करके आप थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके आगे अपना मेन ट्रैकिंग हाइकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एरिया है पेड़ एंड पार्क वाला, जो थोड़ा ओपन और बनाया ब्रॉड सा ताकि व्हीकल को और जगह मिले रखने के लिए। तो ये स्टेयर्स वाला रास्ता है। ओके, सो प्लान चेंज, स्टेयर्स वाला रास्ता हम नहीं लेने वाले। दूसरा एक रास्ता है जो माउंटेन से होते हुए ऊपर जाता है। सो लेट्स सी ये रूट कैसा है, अगर अच्छा है तो आपको देखने मिलेगा कि ये ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो इजी है और उसका भी मैं बता दूंगा उसमें मेन क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर पहुँच के। तो चले ऊपर पहुँचते हैं। तो इस फोर्ट का मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये फोर्ट 11th सेंचुरी में राजा भोज ने बनाया था, जो जिन्होंने अजिंक्य तारा फोर्ट को भी बनाया था। और यहाँ पे अश्वल्यान स्वामी जी रहते थे, इसलिए इस फोर्ट माउंटेन का नाम अश्वल्यान गढ़ और अश्वलगढ़ भी कहा जाता था। और बेस में एक गाँव है पड़री करके, तो इसलिए पड़रीगढ़ भी कहते थे। तो 11th सेंचुरी में राजा भोज ने इस फोर्ट को बनाया था। उसके बाद ये 13th सेंचुरी में बहामनी राज्य के अंदर था, और फिर 1632 में ये जो बीजापुर के राजा आदिल शाह के पास था, और 1673 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को अपने कब्ज़े में लिया और अजिंक्य तारा को भी लिया था और इसे स्वराज्य में शामिल किया। 1677 में शिवराय ने समर्थ रामदास को प्रार्थना की कि वो यहाँ पर ही आके रहने लगे, तो उन्होंने उनका रिक्वेस्ट को मान रख के यहाँ पे आके रहने लगे थे। और उस टाइम ही इस फोर्ट का नाम जो अश्वल्यान गढ़ से सज्जनगढ़ में बदल दिया गया। तो ये जो हम लोग ट्रेल से आए, जो आपको बोला माउंटेन का जो पैच, इतना डिफ़िकल्ट नहीं, ब्रॉड सा रास्ता था, फिर एंड में छोटा सा रास्ता है, तो कुछ लोग डर गए थे, हम लोग ने बताया ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं, छोटा ही है। तो ये आपको डायरेक्ट जो महादरवाज़ा का एंट्रेंस है, जो जिसका नाम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज महाद्वार है, वहाँ पे पहुँचाता है। और स्टेयर से भी आप आओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट लगता है दोनों जगह से आने के लिए। यहाँ पे रामदास स्वामी संस्था ने डोली सर्विस भी शुरू किया, जिससे जो उम्रदराज लोग और जो अपाहिज लोग हैं पार्किंग एरिया से ऊपर तक जा सके इजिली। और मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप स्टेयर के रास्ते से ही आए, बिकॉज यहाँ पे आपको जो समर्थ स्वामी रामदास ने 11 मारुति के मंदिर बनाए थे सातारा से कोल्हापुर तक के लिए, वो सारे मंदिर के मूर्ति के कॉपी आपको यहाँ देखने मिलेंगे। ये पहला कॉपी मैंने मिस कर दिया था फ़ोटो लेने के लिए, तो मैंने ओरिजिनल मंदिर का फ़ोटो लिया। तो बाकी सारे मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोटो सारे जो ओरिजिनल स्टेयर्स में कॉपी है वो वही है फ़ोटो, तो ये आप यहाँ देख सकते हो। और जब आप कभी वहाँ विजिट करोगे तो ज़रूर ये देखना स्टेयर्स में। उसके बीच में 8 मूर्ति के बाद ही आपको गौ माता का एक छोटा सा मंदिर दिखेगा, और उसके ऑपोजिट में वीर मारुति भगवान का मंदिर दिखेगा। और इसके बाद ही 3 और मारुति के मंदिर है छोटे छोटे मूर्ति के, और हम महादरवाज़ा तक पहुंच जाएंगे। और इस स्टेयर्स के रास्ते में कहीं तो राइट साइड में रामगढ़ है, जो केव है जहाँ पे समर्थ स्वामी रामदास मेडिटेशन करते थे, वो है, वो हम नीचे जाते वक्त देखेंगे। तो ये महाद्वार पहला श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रखा गया है।
उसके ऊपर थोड़ा से स्टेयर्स के बाद आपको सेकंड महाद्वार दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग माउंटेन में फ़ोटोस वोटोस लेते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मेन महाद्वार सेकंड महाद्वार की तरफ, जो श्री समर्थ रामदास स्वामी के नाम पर है, श्री समर्थ महाद्वार। तो ये सेकंड द्वार है। यहाँ का दरवाज़ा रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहता है, जब शिवराय का टाइम के बाद से। और यहाँ पे जो कैबिन, जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठते थे लेफ्ट राइट साइड में, और ये कैबिन है ये जा लेफ्ट साइड में, और वहाँ पे मैप दिया हुआ है प्रॉपर, ताकि समझ सके कहाँ पे क्या क्या है, आप वो देख के आगे जा सकते हो। तो वो कैबिन है। और राइट साइड में रामदास स्वामी ने खुद अपने हाथों से यहाँ पे मारुति जी का एक मूर्ति बिठाया था और मंदिर बनाया था, ताकि इनका दर्शन लेके सब आगे बढ़े। ये पूरा मैप सब उसके बारे में लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और ये जो फारसी शिल्प है, जब आदिल शाह थे तभी उन्होंने बनाया था, उसमें बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, आपको पढ़ना चाहिए। आप अगर फ्रीज करके भी पढ़ सकते हो, वरना मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका जो मराठी में अनुवाद किया हुआ है वो मैं आपको नीचे लिख के मेंशन कर दूंगा। तो ये आप जैसे आप ऊपर आओगे तो जय जय रघुवीर समिति का गेट है। यहाँ से मेन आपको पूरा परिसर में जो जो चीज़ें देख सकते हो, जो पहला लेफ़्ट साइड में कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, राइट साइड में कुछ चीज़ें हैं, फिर हम स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे। ओके, सो पहला है घोड़ा वाले तालाब। यहाँ पे ये पानी पर्टिकुलरली जितने घोड़े यहाँ पे रखे जाते थे उनके लिए पानी ये तालाब बनाया गया था, ताकि उनको घोड़े लोगों को पानी दिया जा सके, मतलब घोड़े जो जानवर है उनके लिए पानी रखा, पानी इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाजू में ही आपको जो चुनिया सा खाना बोलते हैं इसे, लाइम ग्राइंडर इंग्लिश में, इससे जो मिक्सचर बनता था पूरा फोर्टिफिकेशन जो सज्जनगढ़ में है उसे इसी से बनाया गया था, मतलब जो जॉइनिंग जो बड़े बड़े स्टोन को जॉइन किया जाता था मिक्सचर से। तो ये वो है लेफ्ट साइड में तालाब के बाजू में। और उससे थोड़ी आगे जाएंगे तो ये एक मॉन्यूमेंट्स मतलब जो स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, ये एक ही स्ट्रक्चर है जो उस टाइम का भी है, बाकी सब नए रेनोवेट हो चुके हैं। ये अंदर का व्यू जो स्ट्रक्चर का, और उसके और थोड़े आगे आप जाओगे लेफ्ट साइड में तो अंगाई देवी का मंदिर आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ इस अंगाई देवी के मूर्ति का बहुत अच्छा हिस्ट्री है, मतलब एक अच्छा कहानी आपको ज़रूर जानना चाहिए, कि जब स्वामी समर्थ रामदास अंगापुर विले गांव में गए थे तो वहाँ पे उनको सपने में आया था कि उस गांव के तालाब में कुछ तो कोई मूर्ति है, जो उन्होंने वहाँ के राजा को कहा कि ज़रा तालाब में चेक कीजिए कि क्या है। तो उनको वहाँ पे 2 मूर्ति मिली, एक जो उनको राम के जैसा दिखा था जो राम मूर्ति है, जो जिसका उन्होंने शाफल गांव में मंदिर बना के वहाँ पे स्थापित किया, दूसरा जो अंगाई देवी का मूर्ति उनको, मतलब अंगापुर में एक देवी का मूर्ति मिला था इसलिए उनका नाम अंगाई देवी रखा गया। और वो जब यहाँ पे आए थे रहने के लिए तो वो मूर्तियाँ ला के उनका यहाँ पे मंदिर खुद ने बनाया, और वो यहाँ पे हर सुबह आके यहाँ बैठते थे देवी के इस मंदिर के सामने। तो ये उनका बैठने का जगह है, तो कृपया करके जो भी यहाँ पे इस मंदिर में आए तो यहाँ पे मत बैठिएगा, यहाँ पे ये स्वामी रामदास का बैठने का जगह है। मंदिर के परिसर के अंदर कुछ और भी मूर्तियाँ हैं, तो ये मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बताइए ये कौन सा मूर्ति है, किस भगवान का है। तो अंदर देवी जी का जो ओरिजिनल, मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये ओरिजिनल मूर्ति वहाँ पे अंगापुर के तालाब में मिला था, तो ये वही है जो समर्थ स्वामी रामदास ने अपने साथ शाफल से यहाँ पे लेके आए थे, जब वो शाफल में रहते थे वहाँ पे, ये उस मंदिर में था राम मंदिर में, तब वो जब यहाँ पे मूव हुए तो राम मंदिर में वो राम जी का मूर्ति रह गया, और ये उनको इन देवी का मूर्ति यहाँ पे लेके आया। अच्छा, देवी के मंदिर के पीछे ही आपको गणपति जी का मूर्ति दिखेगा, और थोड़ा आगे जाओगे तो आपको और एक मूर्ति दिखेगा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस भगवान का है, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि राक्षसों का सर
किसी ने वध करके लिया है सांप का, आप देख सकते हो, और डमरू है, त्रिशूल है। तब थोड़ा एक रिसर्च किया, R&D किया, तब पता चल गया ये काल भैरव जी का मूर्ति है। काल भैरव शंकर जी का ये एक रूप है जिन्होंने शैतानों का सर्वनाश करने के लिए रूप लिया था, उनका क्रोधित रूप। ओके, तो ये पूरा परिसर है अंगाई देवी का। तो आप कभी भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, बिकॉज़ यहाँ पे मेन स्वामी रामदास जी आके बैठते थे हर दिन। तो उसके थोड़े आगे जो लेफ़्ट साइड का आखिरी पोर्शन है, वहाँ पे जो भुरुच है सज्जनगढ़ का, इसे धर्म ध्वज भी कहते हैं। बिकॉज जब शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को अपने कब्ज़े में लिया था, यहाँ पे जो भगवा झंडा यहाँ पे लहराया गया था, तो ये वो भुरुच पे लहराया गया था। और यहाँ से आपको अच्छा सा 180 डिग्री व्यू मिलता है पूरा पररी और जो बाकी दूसरे गांवों का और माउंटेंस का। मानसून में तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये जगह। तो कभी आना है तो खूब मानसून में और विंटर में आ सकते हो, और समर में भी आ सकते हो। इतना मतलब इजीली आप पार्किंग एरिया से आपको 10-15 मिनट लगेगा ऊपर पहुंचने के लिए। और ऊपर आपको अब मानसून में ऐसा नेचर का ग्रीनरी देखने मिलेगा, और आपको बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी, बटरफ्लाई देखने मिलते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है बटरफ्लाई, तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया येलो वाइट। सो अब हम कल जो जय जय रघुवीर समर्थ एंट्रेंस के वहाँ पे राइट साइड में हम आ गए। यहाँ पे एक तालाब है, इसका नाम मुक्कम तालाब है। तो अभी इतना साफ़ नहीं, थोड़ा गंदा है, ठीक है। तो उसी के आगे आप जाओगे राइट साइड में तो एक आपको स्मारक मिलेगा जिसका नाम है कल्याण उड़ी स्मारक। तो इसका भी एक अच्छा कहानी है। जब स्वामी समर्थ रामदास और उनके पट्टे शिष्य कल्याण स्वामी यहाँ पे बातें कर रहे थे, तभी नीचे से हवा आया तो, और कल्याण समर्थ स्वामी रामदास का जो कपड़ा, छाती का एक कपड़ा उड़ के नीचे जा रहा था। तो स्वामी जी ने जब अपने मुख से बस एक नाम बोला कल्याण, तो उन्होंने बिना सोचे अपने गुरुजी के उस आज्ञा को यह समझ के कि उन्होंने बोला है पकड़ने के लिए, तो वो कूद गए यहाँ से। और वो कूद के उन्होंने पकड़ भी लिया और वो नीचे गए। और स्वामी जी का आशीर्वाद था कि उन्हें नीचे गिरे पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो उसी जो शिष्य का प्रेम था गुरुजी के ऊपर और भरोसा, उस प्रेम के लिए उन्होंने यहाँ पे उनका स्मारक बनाया था। जो नीचे आप देख रहे छोटा सा, वो उनका वहाँ पे वो गिरे थे और ये ऊपर से उन्होंने जंप किया था। तो ये दो मंदिर छोटा सा उनके लिए स्मारक बनाया था। तो वहाँ से आप वापस सेंटर में आ जाइए, जय जय रघुवीर समर्थ का जो एंट्रेंस है वहाँ से आपको स्ट्रेट आगे बढ़ना है। तो आपको ये चौथा एंट्रेंस दिखेगा लोकमान्य तिलक स्मृति का। यहाँ पे मेन जो बाज़ार पहले लगता था पेट का बाज़ार, वो ये है, अभी थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब जैसे पब्लिक पहले सब स्वामी लोग रहते थे, उनके शिष्य हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे सामान बिकता था। और अभी जो भक्त लोग आते हैं स्वामी जी के लिए और उनके जो फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए वैसा सामान है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खाने का खेलने का सब सामान यहाँ पर बिकता है बाज़ार पर। बाज़ार के थोड़ी आगे आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में मुख्य कार्यालय देखने मिलेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे भक्त निवास में रहने के लिए रूम अवेलेबल है कि नहीं वो पता लगा सकते हो और बुक कर सकते हो। उसके बाद राइट साइड में आपको पेटातिल मारुति वोहरा और सोनाले तालाब, और उसके थोड़ी आगे आपको राइट साइड में एक बिल्डिंग दिखेगा जो भक्त निवास कम भोजनालय है। सोनाले तालाब के सामने आपको वीरगल दिखेगा। तो ये वो चीज़ है जो सैनिक लोग जंग में वीर गति प्राप्त करते हैं, उनके स्मृति स्मारक के लिए ये बनाया जाता था। और सोनाले तालाब का जो पानी है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अभी भी, पहले से और अभी से भी करते हैं। तो इसलिए इसमें कृपया करके कोई भी कचरा मत फेंकिएगा। और इस तालाब में ना गर्मी के महीने में जब पानी कम होता है तो एक नेचुरल केव है, तो उसमें जाना नहीं है ऐसे, वो ऐसा नेचुरली आपको देखने मिलेगा इसमें। यहाँ पे भोजनालय का एक टाइमिंग है ये जो आप देख सकते हैं, ये टाइमिंग में अगर आप आते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे खाना खाने मिलेगा। और उसके बाजू में भक्त निवास के बाजू में गौशाला है, यहाँ पे गायों को रखा के उनका जो दूध को इस्तेमाल किया जाता था। और उसके आगे कंबाले तालाब है, इसका पानी नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये है पेटातिल मारुति मंदिर। ये कहा जाता है कि स्वामी रामदास जब यहाँ आए थे ये
उन्होंने उनके पहले से ही यहाँ पे ये मंदिर था, तो बोल सकते हैं इस गढ़ का ये सबसे पहला मंदिर है। उसके सामने श्रीधर कुटी है जिसके अंदर स्वामी श्रीधर और स्वामी रामदास जी के पादुका रखे गए हैं, और जो स्वामी श्रीधर के बारे में लिखा हुआ है पूरा, आपको हिस्ट्री समझ में आया कि वो कौन थे और उनने क्या क्या किया था 19th century में। ये उनकी मूर्ति और यहाँ पे उनका पूरा छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर इसके अंदर जाना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे स्वामी लोग कितने महान थे, जिन्होंने धर्म के लिए क्या क्या किया था। तो उसके अब आपको सीधा आगे जाना है, आप फिर मेन जो राम मंदिर है और स्वामी समर्थ का समाधि है वो आपको देखने मिलेगा। आपको और भी बहुत सारे दुकान मिलेंगे जहाँ पे जो धर्म के पुस्तकें हैं, पूजा की सामग्री सब यहाँ पे आपको दे मिल जाएंगे। तो ये एंट्रेंस है श्री स्वामी रामदास स्वामी संस्था का। तो यहाँ का जो मठ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा बनवाया था रामदास जी के लिए। ये पहले वाड़ा था जो सामने आप देख रहे हो, बड़ा सा वो वाड़ा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज इस्तेमाल करते थे, पर उन्होंने रामदास स्वामी जी के लिए ये पूरा चेंज करके उनके लिए रहने के लिए बनाया था। और ये मंदिर वो बाद में जब स्वामी जी ने समाधि ली तब ये मंदिर बनाया गया, वो बनाया था हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने यहाँ पे। और ये है भोजनालय, ये दूसरा भोजनालय है। तो ये जगह को मठ और सेजगढ़ भी कहते हैं, जिसमें आपको स्वामी समर्थ रामदास के इस्तेमाल किए हुए चीज़ें देखने मिलेंगे, जिसमें शिवराय ने दिए हुए पलंग है, वो श्री समर्थ स्वामी रामदास के असली फ़ोटो है, मूर्ति जो लाए गए थे उनका ओटा है, और बर्तन है जो कल्याण स्वामी पानी भर के लाते थे स्वामी जी के लिए पड़री गांव से वो है, मच्छिंद्रनाथ दत्तात्रेय ने जो दी हुई कुबड़ी है सोटा है वो ही आपको देखने मिलेंगे, और एक कुबड़ी जिसमें तलवार है अंदर वो भी है, फिर हिमालय में वो जब गए थे उनको एक वस्त्र मिला था वो है, पानी पीने का लोटा है, अग्निकुंड है जिसमें वो पूजा करते थे, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ देखने मिलेंगे। और ये जो मंदिर प्लस सभा मंडप जो छत्रपति संभाजी महाराज ने बनवाया था, ये है वो सभा मंडप। यहाँ पे वीडियो अलाउिंग नहीं है इसलिए फ़ोटो में थोड़ा कुछ एडजस्ट किया है। तो ये वो पंचधातु के मूर्ति राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी और रामदास स्वामी जी का, और ये उनके नीचे मंदिर के नीचे ही समाधि है उनकी। सो अभी हम मंदिर के पीछे जो जगह है परिसर है वो देखने आए, तो ये पश्चिम का साइड है। बट मंदिर के अंदर और भी बहुत सारे चीज़ें जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, एक अशोक वाटिका है, अक्का स्वामी का वृंदावन है, वेन्ना स्वामी का वृंदावन है, उसका हिस्ट्री आपको ज़रूर जानना चाहिए। फिर एक भक्त निवास है आनंद वन भुवन जो रहने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ना मंकीज़ भी बहुत सारे हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, और खाने का सामान अगर आपको नहीं देना है तो आप छुपा के रखिए। ओके, तो यहाँ से आपको राइट साइड में बड़ा अच्छा खासा व्यू मिलता है उर्मुड़ी डैम का, जो पहले नदी हुआ करता था, जहाँ से कल्याण स्वामी समर्थ स्वामी जी के लिए रामदास जी के लिए पानी भर के लाते, जो अपने मटका देखा था अंदर सेजगढ़ में वो भर के लाते थे, क्योंकि समर्थ रामदास जी का कहना था कि उनको बहते हुए नदी से पानी पीना पसंद है, रुके हुए से नहीं, तो वो वहाँ से भर के लाते थे ये पूरा उठा के खुद रोज सुबह नहाने के लिए पीने के लिए। और आगे ब्रह्मपिसा का स्मारक है, उसका भी एक अच्छा खासा कहानी है कल्याण स्वामी और रामदास जी स्वामी के बीच में हुआ था, और लास्ट में दाबे था मारुति। और राइट साइड का ये व्यू में आपको ये सब दिखता है, लेफ्ट साइड में दो तीन चीज़ें जैसे कुश्ती का अखाड़ा है जहाँ पे सब कुश्ती करते थे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, और एक तालाब है, और एक वाटर टैंक दिखेगा जिसका पानी आगे टोसीगर के वहाँ पे एक गाँव है पंगार है, वहाँ पे एक डैम बनाया, तो वहाँ से साइफन मेथड से वो पूरा बनाया गया था ताकि पानी विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी भी पानी पूरे आते रहे 100 साल तक। और ये है वो ब्रह्मपिसा स्मारक जो समर्थ स्वामी ने रामदास जी ने एक मजाक किया था, एक नाटक किया था अपने शिष्य को देखने के लिए कि कौन कितना उन पर भरोसा करता है, उसके लिए बनाया गया था, और कल्याण स्वामी उसमें सफल हुए थे। और ये है दाबेचा मारुति, तो ये एरिया पूरा ओपन था इसलिए यहाँ के शिष्य जो थे तो डरते थे इस जगह आने के लिए, पर उसी के लिए शिष्य ने समर्थ रामदास जी को कहा था कि हमें यहाँ डर लगता है, तो और कोई अगर हमला कर दे तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करके यहाँ बनाया था, ये एज में बनाया है पूरा
ताकि जो लोग शिष्य आते थे उनका डर थोड़ा कम रहे और यहाँ पे कोई हमला ना करे। तो ये एक तरह का प्रोटेक्टर ऑफ दिस प्लेस लॉर्ड मारुति का मंदिर बनाया था। और यहाँ से आपको अच्छा खासा व्यू मिलता है सोरा दाबेचा मारुति का मंदिर, और ये पूरा पश्चिम साइड का व्यू पॉइंट। और उसके बाद आपको दिखेगा उर्मुड़ी डैम। उर्मुड़ी डैम के जो सामने जो गांव दिख रहा है वो है अंबेवाड़ी। पूरा इस जगह को अंबेवाड़ी बोलते हैं। और उस वहीं एक जगह पे रामदास स्वामी का भी एक मंदिर है। और वो रहा टोसेगर वैली का व्यू पॉइंट। और इस साइड बेड़ेकर वाड़ी है, ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है इसे बेड़ेकर वाड़ी है पूरा। तो ये अच्छा खासा व्यू मिलता है माउंटेन्स का पूरा यहाँ पे। और हम ये जो खड़े ये भरूच है इस साइड का। सो अभी हम नीचे आ गए हैं। यहाँ पे जो मैंने कहा था एक जगह रामगढ़ है जहाँ पे समर्थ स्वामी रामदास जी मेडिटेशन करते थे। तो वो एक रामगढ़ हम ढूंढने के लिए निकले हैं। देखते हैं कहाँ कैसा है, मेन अंदर जा सकते कि नहीं। सज्जनगढ़ में मैंने एक ब्लॉग में टनल देखा था, कलवंतीन दुर्ग जैसा, सरसगढ़ जैसा। स्टेयर्स के कहीं राइट साइड में एक रूट मिला, गए बहुत अंदर था आगे आगे पर कहीं मिला नहीं। पता नहीं वो एग्जैक्टली है किधर, देखते चलो। वो तो नीचे देखते हैं और कहीं कुछ है।